नीचे गिर गया तो पूरा बस खत्म होता है। तो भैया हम लोग अभी पहुंच गए हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। चढ़ के इधर से जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। इस ब्रिज से अभी फिलहाल हम लोग उस साइड जा रहे हैं और नागा फॉल्स को देखेंगे। और ये नागा फॉल्स फ्रॉम गैंगटॉक फ्रॉम जाम्बुला होटल। तो अभी हम लोग आज हम लोग का गैंगटॉक में तीसरा दिन है। आज 8 मार्च है और दिन है आपका बुधवार। आज का जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर है। धूप जो है हो चुकी है और हम लोग अभी यहाँ से होटल में रेडी हो रहे हैं। और मतलब मैं हो चुका हूँ, बाकी लोग हो रहे हैं तो जल्दी से हो जाएंगे। एंड अभी का जो वेदर है ठीक है, मतलब उतना ठंडा नहीं लग रहा है। इसको पहन लिए क्योंकि अभी हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा कपड़ा अलाउ नहीं है, तो जितना हो सकता ऊपर में ही डाल लिया हम लोग। तो अभी कुछ ऐसा सीन है और हमारा ये अभी हम अपने होटल में हैं। तो अभी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, सॉरी कल आप लोग को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि कल को उधर से आने के बाद बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए थे। बेटा भाई आ गया, बड़ा भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अभी पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। एक्चुअली मेन पिक्चर तो आज से स्टार्ट होगा, तो हम लोग बस रेडी हो रहे हैं। रेडी होकर के चलते लगते हैं क्योंकि आज इस होटल को हम लोग छोड़ के टाटा बाय बाय करके निकलेंगे। फिर आएंगे इसी में। अच्छा फिर आएंगे हम लोग इसी में लाचेन एंड लाचुन करने के बाद इसी होटल में आएंगे। तो अभी थोड़ा रिसेप्शन में बात करते हैं कि सेपरेटली इस होटल का जो रूम का जो रेट है वो क्या है। देख सकते हो होटल जम्बाला। दादा नाम क्या है आपका? रवि कुमार सिंह। तो रवि दा हम लोग को थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली हम लोग तो पैकेज में आए थे, बट सेपरेट अगर कोई बंदा सिंगल आ रहा है या कपल आ रहा है तो रेट यहाँ पे किस तरह का होगा वो एक बार दादा से बात करते हैं। दादा क्या रेट क्या होगा? रेट अगर आप सीजन में आते हैं तो ये 2,000-2,500 के बीच में रहता है। अच्छा, अगर ऑफ सीजन में थोड़ा अगर नॉर्मल सीजन में रहता है तो 1,500-2,000, मतलब वो टाइम टाइम पर होता है। ओके okay. और खाना होना इंक्लूड है? खाना होना मतलब खाने का पैकेज अलग होता है, ये रूम का हो गया आपका। अच्छा, अगर पैकेज का सिस्टम होता है 1,000 रुपया पर हेड या 1,500 रुपया पर हेड, टाइम टाइम पर होता है। अच्छा, आप कैसे लेंगे? एमी पिलेंगे, एपी लेंगे, पीते लेंगे। हम लोग काफी इंजॉय किए यहाँ पे। अभी हम लोग निकल रहे हैं लाचेन लाचुन के लिए। चल रहा है चाय वाय, सुबह का नाश्ता, पूरी कचौड़ी कुछ मिलेगा। सब आगे का प्लानिंग हो रहा है, डिस्कशन चल रहा है। राणा बाबू फिट हो गए हैं, मतलब पूरा लगे हुए जोर शोर पे निभाना होते। तो गैंगटॉक में भैया कुछ इस तरह की होली मनाई जा रही है। चल चल सामान ले, हम लोग की गाड़ी आ गई है तो हम लोग निकल रहे हैं। भैया हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। अभी कहाँ पे कौन सा स्टैंड? बाजरा स्टैंड जाएंगे अपने होटल के पास से, और जो है वहाँ से फिर हमारी जो गाड़ी है आगे जाने के लिए लाचुंग के लिए। लाचेन। अच्छा सॉरी, तो आज हम लोग लाचेन जा रहे हैं। हम भाइयों निकल रहे हैं कहाँ के लिए? राणा लाचेन के लिए हम लोग निकल रहे हैं और हमारी गाड़ी जो है निकल चुकी है। और हमारे साथ सर, नाम आपका? सूरज। सूरज, तो सूरज सर आज हम लोग के साथ हैं। आज सूरज सर के साथ हम लोग लाचेन घूमेंगे, क्या क्या दिखाएंगे। सूरज सर हम लोग को थोड़ा गाइड भी करेंगे, हमारे ड्राइवर भी हैं।
53 किलोमीटर से यहाँ से और हो जाता, लेकिन अभी सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और आप देख सकते हो, कुछ बोलना है नहीं, बस व्यू का मजा लो आप। चारों तरफ पहाड़ी, जंगल, खाई और शांति, और कुछ नहीं। तो हम लोग अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स की तरफ, वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे किस तरह का व्यू है, किस तरह का दृश्य है, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बस वीडियो पे बने रहो, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। अगर जब भाई साहब भैया, हम लोग अभी पहुंच गए हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। कुछ इस तरह का नज़ारा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये देखो आप पूरा यहाँ से खाइए, नीचे अगर गिर गया ना यहाँ से, ये देखो यहाँ से नीचे गिर गया तो पूरा बस खत्म होता है। पहाड़ में आप देख सकते हो पूरा बादल ही बादल। तो ये हम लोग भर रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। ये दिखा पहला वाटरफॉल यहाँ पे, नजदीक से और लेके चलता हूँ आपको। ये देखो इन पहाड़ियों में, ओ वाह, ओ भाई एक प्यारा सा ब्रिज, लोग भीड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए। तो ये हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। ओ भाई साहब,
तरफ का नज़ारा। ये चढ़ के इधर से जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ये इधर सीता कितना ऊपर से ये वाटरफॉल, ये वाटरफॉल पीछे चढ़ना पड़ रहा है भाई। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता तो भैया हम लोग निकल रहे हैं इधर से, लेट हो रहा है बहुत, भीड़ है यहाँ पे। और ये कोई छोटा सा गुफा और ये गुफे में इस तरह का कुछ है, क्या है भाई गुफा जी सब है। तो भाई बहुत भीड़ है यहाँ पे, हम लोग वापस रिटर्न कर रहे हैं, रास्ता इतना ही आने जाने का। ये खतरा है, थोड़ा ऊपर जाते हैं हम लोग। ये नीचे थे अभी हम लोग यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर आ रहे यहाँ पे। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे वाटरफॉल दिख रहा है और ऊपर जा रहे हैं देखते हैं। तो भाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, ये देखो आप लोग। और ये ऊपर से उस ब्रिज का कुछ इस तरह का भी, ये झरने का कुछ इस तरह का भी भाई। और अभी और ऊपर जाने का है इधर से, तो वहाँ से इस फॉल्स का और भी नज़ारा बहुत मस्त आएगा। सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, शायद और थोड़ा सा चलना पड़ेगा, पूरा जंगल ही जंगल भाई। रास्ता यहाँ से खराब हो रहा है, ये देखो इतना ऊपर आता भी नहीं सर, पूरा जंग गया, फंगस लग गया इसमें ऐसे। और ये यहाँ से इस साइड से कुछ वाटरफॉल्स का नज़ारा है ऐसा। तो भाई कुछ इस तरह का नज़ारा है, अच्छा तो फाइनली ये मैं ऊपर आ गया, लग तो रहा है। और ये यहाँ से व्यू पॉइंट इसका इस तरह का, ओके। और ये खत्म नहीं भाई, यहाँ से जब ट्रेकिंग है ऊपर जा सकते हो। ये सोचा करो हमें क्या खिलाना है, कहाँ खिलाना है, नीचे उतरते तो अभी चलते हैं भैया, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। यहाँ पे फोटो शूटिंग सेशन चल रहा है, सब कोई खींच रहा है। जैसे मैं सिस्टम वाटरफॉल लिखा है तो बोर्ड पे लिखा है, मतलब उसका नाम है जैसे सिस्टम, हमको लगा कि साधको वाटरफॉल होगा आसपास में इसलिए बोला गया। नहीं नहीं तो एक ही है,
तो भाई जो लोग भी अगर सोच रहे हो ऐसा कि सात वाटरफॉल देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कि ये नाम बस रखा हुआ है सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। इसका नाम है बिग ब्रिज। अभी हम लोग नेक्स्ट कहाँ पे जा रहे हैं सर? हम लोग अभी जाएंगे लंच करेंगे, हाँ? उसके बाद जाएंगे नागा फॉल्स। अच्छा, लंच करेंगे, लंच करने के बाद नागा फॉल्स जाएंगे। तो अभी यहाँ पे लंच करेंगे, कितना किलोमीटर दूर है? मोटा मोटी आपका 45 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी इस तरह के रास्ते में ऐसे चलते रहेंगे, लगभग 45 किलोमीटर जैसा सही रास्ता रहेगा। और वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, लंच करने के बाद में नागा फॉल के लिए हम लोग निकलेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहो और इंजॉय करते रहो भाई। ये देखो भाई, मैं भी लगता है लैंड स्लाइडिंग हुआ है यहाँ पर, यहाँ इसको ठीक कर रहा है। देखो भैया, होली चल रहा है, आज होली है। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम का ये कोई गांव है, काफी प्यारा सा गांव, रामथंग गांव। पेट्रोल डलवाने के लिए, और अचानक से वेदर आप देख सकते हो चेंज हो चुका है और बारिश हमारा स्टार्ट हो गई है, झमाझम बारिश जो है धीरे धीरे वो हो रही है। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, भूख लगी है बहुत जोर से। भूख लग गया? हम लोग यहाँ पे रुके हैं, समय जो हो रहा है 2:40 और यहाँ पे हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए। और मौसम देखो एकदम जैसे पूरा क्लाउडी क्लाउडी वेदर हो गया यहाँ पे। जिंजर हाउस में हम लोग कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने को। और ये देखो पहाड़ जो सटा हुआ है, तो भाई वेदर जो है पूरा एकदम
गजब का हो चुका है। सब सभी से यहाँ पे आप देख सकते हो खाने में क्या क्या है। सब्जी खत्म है, लेना होगा भालू निकाल दाल एंड आई थिंक चावल। वेयर इज द चिकन? कटोरी निकालो दोनों से। आगे क्या देखने को मिलेगा, वेदर जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, इतना ज्यादा बादल आ चुका है ना रास्ते में पहाड़ों में कि विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो चुका है। जो हम देख पा रहे अपने आंखों से पहाड़ के ऊपर एक इंटर के पहाड़ एक दूसरे के ऊपर में, तो वो कैमरे में दिख नहीं पाएगा। तो अगर आपको इस तरह का मजा लेना है तो आपको नॉर्थ सिक्किम आना होगा, उससे एक्सप्लोर करना होगा, अपनी आंखों से देखना होगा, नेचर को महसूस करना होगा। Amazing. अभी टाइम कितना रहा भाई? वेदर जो है इस टाइप का जैसे कि शाम का 6 बज गया हो, 5-6 बज गया हो। बादल पूरा आ गया आकाश में और बारिश भी, तो ये बारिश होने लगा साथ में। और आप लोग उस साइड में देखो पूरा बादल ही बादल, जो कैसे बादल लगा हुआ है पहाड़ में। सामने दिखाऊं तो वो बर्फ दिखना स्टार्ट हो गया है सामने पहाड़ में, इतना टर्न है ना, मतलब कुछ भी व्यू जो है आप लोगों को अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो मैं दिखा रहा हूँ, वो देखो सामने में। अरे भाई साहब तो वो देखो आप लोग, व्हाइट व्हाइट पूरा दिख रहा है स्नो पहाड़ों में, और ये पूरा बादल, मतलब हम लोग अभी बादलों के बीच में है, इतने हाइट पे है ना, इतने ऊपर में कि कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता है, मुझे भी नहीं पता कितने हाइट पे है, बट मजा आ रहा है बहुत। वो देखो ऊपर में भी बर्फ का देखो दिखने लगा, इस साइड में बर्फ का पहाड़ दिख रहा है व्हाइट व्हाइट। ऊपर में देखो कितना ठंडा होगा ऊपर में, हाँ वही तो दिखा रहे हैं। थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग, फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग मिला हम लोगों को। नागा फॉल्स पहुंच चुके हैं और कुछ इस तरह का दृश्य नागा फॉल का, तो पहले हम लोग चाय पियेंगे उसके बाद नागा फॉल्स दिखाएंगे। तो
यहाँ पे कुछ डिटेल्स। तो इस ब्रिज से अभी फिलहाल हम लोग उस साइड जा रहे हैं और नागा फॉल्स को देखेंगे। और ये नागा फॉल्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।